अध्यक्ष महोदय, इस अनुसमर्थन के विषय पर जो चर्चा चल रही है सदन में, मैं उसमें हिस्सा लेते हुए निवेदन करना चाहता हूं। अभी हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता शुरू से आने वाले माननीय विधायक ने बहुत विस्तार से बहुत सारे बिंदु रख दिए, उनमें से एक का भी मैं दोहरान नहीं करूंगा। अभी हमारे बहुत विद्वान सत्ता पक्ष के विद्वान विधायक जेपी चंदेले साहब, पूर्व आईएएस अधिकारी, कह रहे थे कि आरक्षण का कॉन्सेप्ट कांग्रेस ने दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आरक्षण का कॉन्सेप्ट इस देश में 1901 में आ चुका था, जब आज़ादी भी नहीं आई थी। कोल्हापुर के महाराजा थे साहूजी महाराज, उन्होंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट दिया था, भले वो रिवर्स ऑर्डर में था। उन्होंने कहा था कि कोल्हापुर राज्य की सरकारी सेवाओं में जो भर्तियां होंगी उनमें ब्राह्मणों की संख्या 50% से अधिक नहीं होगी, यानी 50% अन्य लोग होंगे। वहां से कॉन्सेप्ट करने पकड़ा और उसके बाद 1935 में पूना पैक्ट में आपके नेताओं को मजबूर करके और डॉक्टर अंबेडकर ने सहमत किया और दस्तखत करवाए उस पूना पैक्ट पे कि आरक्षण लागू होगा, अपना स्वराज आएगा तब। इसलिए कांग्रेस की देन नहीं है, करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। दो आरक्षण दो तरह का है, एक है सरकारी सेवा में आरक्षण, दूसरा है राजनीतिक आरक्षण। सरकारी सेवाओं के आरक्षण में कोई समय सीमा नहीं है सर, इस राजनीतिक आरक्षण में 10 साल की समय सीमा है। हर 10 साल बाद हमको आपके सामने जो ये दोनों में फर्क क्यों है, मैं निवेदन करना चाहता हूं चंदेलिया साहब, ये 10 साल का जो राइडर लगा है पंडित नेहरू का लगाया हुआ, ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है। पढ़ लीजिए संविधान सभा के मिनट्स, पढ़ लीजिए, ये गलत परंपरा है। जवाहरलाल नेहरू साहब ये पंडित नेहरू को उद्धृत करके जिस तरह गलत बातें सदन के अंदर रख रहे हैं, आप मेरी आपत्ति है, तो ठीक कर लेना, आपको ज्ञान नहीं है, पहले इतिहास सीख के आओ। आपकी बारी आए तो ठीक कर लेना, नाम लेके गलत बोलना मंत्री जी, अरे सदन में गुमराह कर रहे हैं सदन को अध्यक्ष जी, मंत्री जी देना चाहिए, गलत बोलना मंत्री जी, प्लीज डिबेट का तरीका नहीं, आप बैठे, आप डिबेट का तरीका नहीं, जब आपका मौका मिले आप रिपीट कर दीजिए, बीच में इंटरव्यू नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे आप, प्लीज नाम लेकर बोल रहे हैं, आप बैठे डिबेट की जो परंपरा समझे, आपको मौका मिलेगा आप रिपीट कर दीजिए माननीय सदस्य। फिर मैं निवेदन करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, जब इंद्र कुमार गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे, देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे, वो दोनों सरकारें आपके समर्थन से बनी हुई थी, आपने उनको बाहर से सहयोग दे रखा था, तब वो सरकारें टिकी हुई थी। उन दोनों सरकारों के समय 5 OM जारी हुए, उस ऑफिस मेमोरेंडम 5ों के कारण अनुसूचित जाति वर्ग के सरकारी नौकरी में आरक्षण में पदोन्नति में बाधा आई। वो 5 OM जिन सरकारों ने जारी किए उस आपके सहयोग से चल रही थी, ये है कांग्रेस का योगदान। वो 5 OM जारी हुए और फिर पंजाब हाईकोर्ट का फैसला आया इंदिरा सानी केस में, रिवर्सन का वो जो आदेश आया पंजाब हाईकोर्ट का आदेश, पूरे देश में किसी राज्य ने लागू नहीं किया एक राजस्थान को छोड़कर, 1999 में लागू हुआ, माननीय अशोक गहलोत मुख्यमंत्री विराज रहे थे उसमें। माननीय सदस्य बिल पे बोले, बिल पर ही है ना, बिल पे नहीं, प्लीज प्लीज बिल पे बोले, पढ़े लिखे आप आदमी बिल पे बोले। वो जो पदोन्नति में जो आरक्षण था, ये वो सरकारी नौकरी के आरक्षण का बिल नहीं है, प्लीज बिल पे बोले प्लीज। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये अनुसूचित जाति वर्ग के हितों को प्रभावित करने वाला बिल है, ये संविधान संशोधन का बिल है मान्यवर, प्लीज मैं संविधान संशोधन की बात कर रहा हूं, आई विल नॉट डेविएट इट। आप माननीय सदस्य सीनियर सदस्य हैं, ये संविधान का जो संशोधन है उसी स्कोप में अपनी डिबेट हो रही है। ये संविधान संशोधन जो आना था, अभी राजेंद्र गहलोत साहब ने बहुत विस्तार से रख लिया, समय पर आना चाहिए था, समय पर नहीं आया, और उसका कारण यह था कि आपको अनुसूचित जाति वर्ग की कोई चिंता नहीं है,
कोई आपको परवाह नहीं है उसकी, और ये आपको बिल्कुल निंदनीय कार्य आपने किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार को कि उन्होंने समय पर इस संविधान संशोधन को लाया। और एक और धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने 81, 82, 83 लगातार 3 संशोधन करके पदोन्नतियों में आरक्षण के जो आपके ओएम के माध्यम से जो बाधा आपने पैदा की थी उसको दूर किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि ये जो हवा आपने बना रखी है कि कांग्रेस ही अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की हितैषी है और बाकी सारे दुश्मन है, ये हवा गलत है। आप हमेशा आपने अनुसूचित जाति वर्ग के हितों को नुकसान करने का कोशिश की है। जबान से बोलते कुछ हो, मुंह में राम बगल में छुरी आपकी कार्यशैली रही है, बोलते पक्ष में हो और अंदर अंदर मारते रहते हो। ये चंदेल साहब भी जानते हैं, हरीश मीणा साहब भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, मजबूरी उनके बोल नहीं सकते, लेकिन ये हकीकत है। और ये फिर मैं एक बार निवेदन करता हूँ कि जिस तरीके से ये विलम्ब से ये लाया गया संशोधन वो एक निंदनीय कार्य है। मैं इस विषय पर सरकार की निंदा करते हो, भर्सना करते हो, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया। बाबूलाल नागर।